जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने हमें मना किया, आज उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कभी सवाल किया है कि जब आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपके लिए विद्यालय के दरवाजे तक बंद थे, आपको घूंघट में चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था, आपको उन रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करना पड़ता था कि जब एक पति मर जाता था तो उसके साथ में जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन आप सब भूल गए हैं। आज ये संकल्प लेती हूँ कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी। कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगी, नहीं मैं होली पूजन करूंगी, नहीं मैं दीपावली मनाऊंगी, नहीं मैं करवा चौथ जैसे व्रत रखूंगी। पुरुषों को भी चूड़ियां पहनाना, पुरुषों को भी बिछुए पहनाना, फिर देखना समानता कितनी अच्छी लगेगी। और ये बात मैं पुरुष साथियों से भी कह रही हूँ, खाली ये नहीं है कि ये महिलाओं के लिए ही लागू होती है, क्योंकि जब जब गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई है वो महिलाओं ने तो तोड़ी है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे पुरुष साथियों का भी। मातृशक्तियों, सोचिए उस माता रमा बाई ने जिसने एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी और उसके त्याग समर्पण बलिदान के कारण आप हजार रुपए से लेकर 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि मैं ये कहूंगी कि बहुजन समाज की महिला एक एक लाख रुपए की साड़ियाँ पहन रही है, तो किसी और की नहीं बल्कि माता रमा बाई के संघर्ष समर्पण और बलिदान की देन है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता, परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में पाखंडवाद की नींव को हिलाकर रख देने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले फूले दंपत्ति माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए और आज जिस तरह से त्याग की मूर्ति माता रमा बाई का हम जन्म दिवस मना रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों और खासकर मेरी मातृशक्ति और छोटी छोटी बेटियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। कि एशियन विद्या न तपो न दानम, एशियन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो सीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते नजर आते हैं। तो आज आप सोच लीजिए, क्या आपको मनुष्य के रूप में सिर्फ इस पृथ्वी पर पशुओं की भांति विचरण करना है, या आपको सही मायने में मनुष्य होकर मनुष्य के द्वारा दिए गए उन कामों को चरितार्थ करना है जिनको कि हमारे तमाम बहुजन महानायक और महानायिका ने यहाँ तक लेकर आए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से और इतने बड़े स्तर पर आज हम माता रमा बाई की जयंती मना रहे हैं। आखिर क्या जरूरत है आज माता रमा बाई की जयंती मनाने की? आखिर क्या जरूरत पड़ी इस विचार गोष्ठी को आयोजित करने की? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम उनके संघर्षों को लेकर आज चर्चा करें? जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से भारत देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि जितने हमारे महान पुरुषों ने काम किए, आज कहीं ना कहीं उन महान पुरुषों के काम को मिट्टी के नीचे गड्ढे में धकेलने का काम तथा कथित सरकारें कर रही हैं। तो आज जरूरत हो जाती है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को अपने महान पुरुषों को पढ़ने की, समाज में जितने भी तमाम वीरांगनाएं रही, चाहे मैं माता सावित्री बाई फूले की बात करूँ, माता रमा बाई की बात करूँ, या तमाम बहुजन समाज में जन्मी फातिमा शेख जैसी वीरांगनाओं की बात करूं, तो आज जरूरत है मेरे समाज की बहन बेटियों को उनको पढ़ने की, उनकी बातों को जानने की और उनकी बातों को जानकर मनोसात करने की और उनको जन जन तक प्रचारित करने की। लेकिन विडंबना है कि आज मेरे समाज की महिलाएं जागरणों में तो जाकर बैठ जाती हैं, जागरणों में जाकर बैठ जाती है, घंटे घंटे अपने बर्बाद करती हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जितने भी आपको त्योहार दिए हैं, आप उन त्योहारों पर अपना पैसा खर्च करती नजर आती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है
कभी आपने सोचा है कि जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने हमें मना किया, आज उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आखिर क्यों? कभी सवाल किया है कि जब आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपके लिए विद्यालय के दरवाजे तक बंद थे, आपको घूंघट में चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था, आपको उन रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करना पड़ता था कि जब एक पति मर जाता था तो उसके साथ में जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन आप सब भूल गई हैं, क्योंकि आज संविधान के माध्यम से आपको, परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से आपको तमाम वो हक अधिकार मिल गए जिनसे कि आप अपना जीवन संपन्न तरीके से जी रही हैं। लेकिन कभी भी इतिहास में जाकर आप ये नहीं सोचती कि अगर इस देश की महिलाएं, इस देश के महान पुरुष आप लोगों के लिए संघर्ष नहीं करते तो शायद आज आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर नहीं बैठी होती। माता रमाबाई के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं उस घटना का वर्णन जरूर करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत हर्षोल्लास का माहौल था। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहेब महाराष्ट्र आने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन विडम्बना, माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी कि जिस साड़ी को वो पहनकर बाबा साहब के सत्कार सम्मान समारोह में जा सके। लेकिन माता रमाबाई को याद आया कि एक बार साहू जी महाराज जी ने सम्मान स्वरूप परम पूज्य बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और माता रमाबाई ने ट्रंक में रखी हुई उस पगड़ी को निकाला और जो उनकी साड़ी फटी हुई थी उसके ऊपर लपेटकर वो बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए पहुंची। अब आप सोच सकते हैं कि जिस महिला के जीवन साथी का सत्कार हो रहा है उसको मंच पर होना चाहिए, लेकिन माता रमाबाई मंच पर नहीं थी। जिस महिला को पहली पंक्ति में होना चाहिए वो महिला पहली पंक्ति में नहीं थी, जिस महिला को दूसरी पंक्ति में होना चाहिए वो महिला दूसरी पंक्ति में भी नहीं थी। मैं ये कहूंगी कि ना तो पहले पंक्ति में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, यहाँ तक कि दूर दूर तक जितने लोग उस सभा में खड़े थे माता रमाबाई उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी। माता रमाबाई कहाँ खड़ी थी आपको जानकर आश्चर्य होगा। माता रमाबाई भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी थी और उसका कारण क्या था कि माता रमाबाई की शरीर पे जो साड़ी थी वो फटी हुई थी और उस साड़ी को उन्होंने उस पगड़ी से ढक रखा था और उन्हें बाबा साहब का पूरा ख्याल था कि अगर लोगों को पता चल गया कि रमाबाई फटी हुई साड़ी पहनकर आई है तो बाबा साहब का क्या सम्मान रह जाएगा, बाबा साहब की क्या इज्जत रह जाएगी। इतनी गंभीरता से माता रमाबाई ने बाबा साहब के बारे में सोचा और भीड़ से पीछे हटकर उस पेड़ के पीछे छुपकर अपने जीवन साथी का सम्मान होते हुए देख रही। आंखों में खुशी के आंसू थे, बाबा साहब भी टकटकी लगाए भीड़ को निहार रहे थे कि कहीं तो उनकी रामू दिखाई दे, क्योंकि बाबा साहब भी बहुत लंबे अरसे के बाद आए थे और एक आस भरी नजर से टकटकी लगा रहे थे उस भीड़ में कि उनकी जीवन साथी रमाबाई कहीं खड़ी दिखाई दे। लेकिन बाबा साहब बहुत भावुक हुए जब उन्हें माता रमाबाई नहीं दिखाई दी। लेकिन अचानक जब बाबा साहब की नजर उस पेड़ के पीछे गई, उन्होंने देखा कि एक स्त्री छुपके से पेड़ के पीछे से उन्हें निहार रही है, तो बाबा साहब समझ गए, बिना बोले बिना देखे ही बहुत कुछ समझ गए कि ये तो मेरी रामू है और जो पेड़ के पीछे खड़ी है क्यों खड़ी है इसका कारण भी बाबा साहब समझ गए। और बाबा साहब ने सभा को खत्म करने के बाद जो जन सैलाब था उसको चीरते हुए रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे सोने के आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी साड़ियां नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी भी जिम्मेदारियां तुम्हारे प्रति हैं उससे ज्यादा कहीं जिम्मेदारी मेरी समाज के प्रति बनती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आज मैंने तुम्हें साड़ी पहना दी तो मेरे समाज की तमाम बहन बेटियां अच्छी साड़ियां पहनने से रह जाएंगी, तो ये
त्याग था माता रमाबाई का, ये त्याग था बाबा साहब का। तो माता रमाबाई ने भी बाबा साहब को ढांढस बंधाते हुए कहा कि बाबा साहब मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, बल्कि मैं आपका विश्वास बढ़ा रही हूँ और मुझे उम्मीद है और मैं आपका हौसला बुलंद करती हूँ कि आपने मुझसे पहले इस दबे कुचले शोषित समाज के बारे में सोचा और मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी मातृशक्तियों सोचिए, उस माता रमाबाई ने जिसने एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी और उसके त्याग समर्पण बलिदान के कारण आप हजार रुपए से लेकर 10,000, 20,000, 50,000, यहां तक कि मैं ये कहूंगी कि आज बहुजन समाज की महिला एक एक लाख रुपए की साड़ियां पहन रही है, तो वह किसी और की नहीं बल्कि माता रमाबाई के संघर्ष समर्पण और बलिदान की देन है। तो ऐसी महान शक्तियों को मैं सत सत नमन करती हूँ और उनका जो संघर्ष है, क्योंकि जितने उनके संघर्ष की यहाँ पर बातें की जाए शायद कम पड़ जाएगी, लेकिन जरूरत है उनकी बातों को समझने की, जरूरत है उनकी बातों को पढ़ने की, जरूरत है उनकी बातों को मनोसात करने की। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने तमाम महान पुरुषों की जय जयकार कर लेते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए नारे लगा लेते हैं या अपने द्वारा बनाए हुए जितने भी स्लोगन है उनको घड़ लेते हैं, लेकिन हम कभी भी जाकर धरातल पर वो काम नहीं करते। और आज जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएं तमाम उन पाखंडवाद रूढ़िवादी परंपराओं में आज भी जकड़ी हुई हैं, जिन परंपराओं जिन कर्मकांडों से हमारे महान पुरुषों ने हमें निकलने का काम किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा महिलाएं बहुत कम मुझे इस बोध विहार में दिखाई देती हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पूजा पाठ करते, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लीजिएगा, एक भी नहीं करती। अगर सच बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, एक बार हाथ खड़े कर लीजिए सारी महिलाएं यहां पर जितनी बैठी हैं, एक बार ऊपर हाथ कर लीजिए महिलाएं दोनों हाथ। अब आप देखिए आपके हाथों में चूड़ियां दिखाई दे रही हैं और उधर मेरे पुरुष साथी भी बैठे हैं, लेकिन किसी के हाथ में चूड़ी दिखाई नहीं दे रही, इसका क्या कारण है? कभी सोचा है, कभी सोचा है आपने कि आप चूड़ियां पहनते हैं लेकिन पुरुष नहीं पहनते? लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें एक मुहावरा पढ़ाया जाता है, चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं? महिलाएं बताएं, क्योंकि महिलाओं ने पहन रखी हैं, किसका प्रतीक होती है चूड़ियां? जो बेटियां स्कूल में जाती हैं वो बताएं, किसका प्रतीक होती है चूड़ियां? नहीं पता, बताओ बेटा, कमजोरी का। लेकिन मैं बता दूं कि चूड़ियां कायरता का प्रतीक होती हैं, कमजोरी का प्रतीक होती हैं, बुजदली का प्रतीक होती हैं। और सबसे पहले मेरी ये नारी शक्ति क्या करती है, हम परंपराओं में से बंधे हुए हैं, जब आप लड़की को पक्का करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हरे कलर की चूड़ियां भेजती हैं, आप खुद उस महिला को गुलाम बना रही हैं। और जब आपके आस पड़ोस में कहीं लड़ाई हो जाती है, आपके पुरुष चुपचाप घर में आकर बैठ जाती हैं, तो आप ही उन पर झुंझला कर कहती हैं कि आपके बस की कुछ नहीं है, घर में जाइए और चूड़ियां पहनकर बैठ जाइए। बोलती है ना ऐसा, तो फिर क्यों बोलती है? क्या मैं ये समझूं कि हम अपने महान पुरुषों का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को मनोसात नहीं करते, सिर्फ खाली उनकी जय जयकार करते नजर आते हैं? तो इसलिए मेरी मातृशक्तियों सोचिए, सोचिए आखिर हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं। और जब विवाह होता है तो बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हम देखते हैं। जब एक लड़का बारात लेकर जाता है, सर से लेके पांव तक आप महिला को उठाकर देख लीजिए, उसके पैरों में बिछुआ होती है, पायल होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है और माथे पे बिंदिया होती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि जितने भी आभूषण आपने ग्रहण किए हैं क्या यह पुरुष कभी पहनता है? कभी सोचा है? शादी उसकी भी तो हो रही है ना। जब हम बात समानता की करते हैं, हम बाबा साहब को अनुयायी हैं या हम अपने जितने भी तमाम बहुजन महान पुरुष हैं उनके अनुयायी हैं, तो उनकी बातें क्यों नहीं मानते? अगर हम बात समानता की करते हैं ना, तो अब की बार याद रखना, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, हम बाबा साहब की जय जयकार तो लगा लेते हैं, आज माता रमाबाई के त्याग समर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया आखिर वो किस लिए किया? कि जिन चीजों के लिए वो मना करके गए आप उन्हें ही फॉलो करें? तो अगली बार जब आप विवाह करने जाएं, ईमानदारी से मैं कह रही हूं और ईमानदारी से आपसे आज मैं यहां पर कुछ शपथ भी दिलाऊंगी कि जो जो चीजें आप पुरुषों के लिए करती हैं, जिस तरह से पुरुष को देखती हैं, उसी तरह से आप महिलाओं को भी तैयार करना।
और नहीं कर सकते ना, तो महिलाओं की भी मांग भरवाना, पुरुषों को भी चूड़ियां पहनाना, पुरुषों को भी बिछुए पहनाना, फिर देखना समानता कितनी अच्छी लगेगी। और ये बात मैं पुरुष साथियों से भी कह रही हूँ, खाली ये नहीं है कि महिलाओं के लिए ही लागू होती है, क्योंकि जब जब गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई हैं, वो महिलाओं ने तो तोड़ी हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे पुरुष साथियों का भी रहा है। क्योंकि जब तक पुरुष अपने समाज की महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेगा, हमें डराया जाता है, हमें घुमाया जाता है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, चमत्कारी बाबा जन्मे हुए हैं, अपने चमत्कारों की बातें करते हैं, आप सबने सोचा है कि आखिर वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है, किस दिशा में बात कर रहा है। आप तमाम मंदिरों में जाती हो, दर्शन करती हो, प्रसाद चढ़ाती हो, जो आपके पुरुष साथी खून पसीने से पैसा कमा कर लाते हैं, आप उसको इन तीज त्योहारों के नाम पर बर्बाद कर देती हो। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए कि एक साल में जितने भी ये त्योहार पड़ते हैं, और मैं कौन से त्योहारों की बात कर रही हूँ, वो त्योहार जो आपके नहीं है, आपकी संस्कृति के नहीं है, आपके महान पुरुषों ने नहीं दिए, आप उन त्योहारों पर कम से कम एक साल में 50,000 से लेकर 60-70,000 रुपए तक बर्बाद करती हैं, आग लगा देती हैं अपने पति की उस गाढ़े खून पसीने की कमाई में। लेकिन मेरी मातृशक्तियों, मैं कहना चाहूंगी कि आज के बाद इन सभी तीज त्योहारों को मनाना बंद करो, क्योंकि हमारे पास में तमाम बहुजन महानायक ऐसे हैं। अगर मैं जनवरी से ही शुरुआत करूं तो आप दिसंबर के लास्ट तक चले जाइए, तमाम महापुरुषों की जयंती आती है, उनके परिनिर्वाण दिवस आते हैं, आप उनको मनाइए। अगर पैसा खर्च करना है तो अपने बच्चों की शिक्षा पर कीजिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कीजिए, ना कि खाली सिर्फ इन त्योहारों पर पैसा खर्च करके आप उनमें आग लगाने का काम कीजिए। क्योंकि माता रमाबाई का जो संघर्ष रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये भी सोचने वाली बात है। शायद मुझे लग रहा है थोड़ा व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो एक बार मैं यहाँ पर आप सभी से कुछ संकल्प दिलवाना चाहूँगी, और वो संकल्प इसलिए है क्योंकि आज हम लोगों ने माता रमाबाई की जयंती मनाई है, तो उनकी जयंती पर हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और आज हमें निर्णय करना चाहिए कि हम उनको सही रूप से कैसे आदरांजलि करें। खाली ये नहीं कि उन्होंने कह दिया और हमने उसको सुनकर छोड़ दिया, तो सभी साथी यहाँ पर खड़े हो जाएं, महिला भी पुरुष भी, सभी खड़े हो जाइए एक बार। और एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से जो मैं बोलूंगी अगर उसको फॉलो कर सकते हैं तो ही शपथ ग्रहण करना, वरना छोड़ देना। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगी, नहीं मैं होली पूजन करूंगी, नहीं मैं दीपावली मनाऊंगी, नहीं मैं करवा चौथ जैसे व्रत रखूंगी, नहीं मैं किसी तरह के तीज त्योहारों को बढ़ावा दूंगी। और जितने भी बहुजन समाज के महान पुरुष हमें मार्गदर्शन देके गए हैं, उन पर मैं चलने का काम करूंगी। और आज के बाद कमजोरी और गुलामी और कायरता का प्रतीक इन चूड़ियों को भी नहीं पहनूंगी। और आज के बाद जो हमारे गले में ये मंगल सूत्र है, इसको पहले पढ़ लेना कि मंगल सूत्र होता क्या है, इसको भी नहीं पहनूंगी। देख रही हूं दिल से बातें नहीं निकल रही हैं। मैंने पहले कहा अगर कर सकते हो तो संकल्प लीजिए, क्योंकि वही बातें आ जाएंगी कि सिर्फ खाली हम जय जयकार तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात नहीं करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि जितने भी कर्म कांड है, पूजा पाठ है, उनको हम नहीं करेंगे, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हम पर जो चीजें लाद दी गई हैं उनको हम सरे से नकारते हैं, और इनका कभी भी हम पालन नहीं करेंगे। जय भीम, जय भीम। अब बैठ जाओ।